केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, झारखंड के मुख्यमंत्री भाई हेमंत सोरेन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु ई के पनलानी स्वामी जी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय गवर्नर महोदय, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, आप सभी को, सभी देशवासियों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेक अनेक मंगल कामनाएं। आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का आज शुभारंभ है। आज गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है। तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना होगा। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, अगर ये बदलाव न होते कितना कठिन होता। आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजें हैं जो प्रक्रिया में बदलाव किए बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होए दो। हाउसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी। हमारे देश को बेहतर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए? हम जो घर बनाते हैं वो तेजी से पूरे क्यों ना हो? सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे ना हो, बल्कि स्टार्टअप की तरह चुस्त भी हो और दुरुस्त भी होने चाहिए। इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है
कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, इस स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर 12 महीनों में 1000 घर बनाए जाएंगे। एक साल में 1000 घर, इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन 2.5 से 3 घर बनाने की एवरेज आएगी। एक महीने में करीब करीब 90-100 मकान बनेंगे और साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। साथियों, ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे, जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स सीख पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटीज से आग्रह करता हूं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आग्रह करता हूं कि इस फील्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टीज, आपके स्टूडेंट्स
10-10, 15-15 के ग्रुप बनाएं, एक एक वीक के लिए इन 6 साइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्ययन करें, वहां की सरकारें भी उनको मदद करें और एक प्रकार से देश भर की हमारी यूनिवर्सिटी के लोग ये जो पायलट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से इंक्यूबेटर्स हो रहे हैं, वहां जाकर के टेक्नोलॉजी, और मैं ये चाहूंगा कि हमें आंख बंद करके किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, हम देखें और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी एक्टिविटी बदल सकते हैं क्या, उसके परफॉर्मेंस लेवल को बदल सकते हैं क्या। मैं पक्का मानता हूं हमारे देश के नौजवान ये देखेंगे, उसमें जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कुछ नयापन जोड़ेंगे और सचमुच में देश एक नई दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ घर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमेंटेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम देकर के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। साथियों, देश में ही आधुनिक हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इस अभियान के तहत 5 सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को चयन भी किया गया है। अभी मुझे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित किताब और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति, इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अवसर मिला। इनसे जुड़ी सभी साथियों को भी इस एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग के, उन सब से और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछे, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी, वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है, लेकिन बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा था। जीवन भर की पूंजी लगाकर घर खरीद तो लिया, पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन घर कागज पर ही रहता था, घर मिल जाएगा इसका भरोसा नहीं रह गया था। कमाई होने के बावजूद भी अपनी जरूरत भर का घर खरीद पाएंगे इसका भरोसा भी डगमगा गया था। वजह, क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हो गई थी। एक और भरोसा जो टूट गया था वो ये कि क्या कानून हमारे साथ देगा कि नहीं देगा। अगर बिल्डर के साथ कोई झगड़ा हो गया, मुसीबत आ गई, तो ये भी एक चिंता का विषय था। हाउसिंग सेक्टर की ये स्थिति हो गई थी कि किसी गड़बड़ी की स्थिति में
सामान्य व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। और साथियों, इन सब से वो किसी तरह निपटकर आगे बढ़ना भी चाहता था। तो बैंक की ऊंची ब्याज, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किलें उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनत कस मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। साथियों, अगर हम पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए लाखों घरों के काम पर नजर डालें तो उसमें इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर फोकस मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल से मैं स्थानीय जरूरतों और घर के मालिक की अपेक्षाओं के अनुसार इनोवेशन नजर आएगा। घर के साथ साथ दूसरी योजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया है। इससे जो गरीब को घर मिल रहा है उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवश्यक सुविधाएं हैं, ऐसी अनेक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के कारण हर चीज का पता चलता है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। घर निर्माण के हर स्टेज की तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। और मैं राज्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं। आज कई राज्यों को इसके लिए सम्मानित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इन राज्यों को जो विजयी हुए हैं, जो आगे बढ़ने के लिए मैदान में आए हैं, उन सभी राज्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर
अब फंसेगा नहीं। आज देश में लगभग 60,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, यानी हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है। साथियों, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, ये घर देश के युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है ना, तब वो दरवाजा या चार दीवार इतना तक नहीं होता है। जब घर की चाबी हाथ आती है तो एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है, एक सुरक्षित भविष्य का द्वार खुलता है। जब घर के मकान के मालिकी का हक आ जाता है, चाबी मिलती है, तब बचत का भी द्वार खुलता है, अपने जीवन के विस्तार का द्वार खुलता है। 5-25 लोगों बीच में, समाज में, ज्ञाति में, बिरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है, एक सम्मान का भाव लौट आता है, आत्मविश्वास पनपता है। ये चाबी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है। इतना ही नहीं, ये चाबी भले ही दरवाजे की चाबी होगी लेकिन वो दिमाग के भी वो ताले खोल देती है, जो नए सपने संजोने लग जाता है, नए संकल्प से की ओर बढ़ चलता है और जीवन में कुछ करने के सपने नए तरीके से बुनने लग जाता है। इस चाबी की इतनी ताकत होती है। साथियों, पिछले साल कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये योजना। इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से, अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता था, लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है। और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे, वापिस आओ, वापिस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को, जो लोग स्वीकार नहीं करते थे उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन श्रमिक बंधुओं को उचित किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते, इसके कारण छोटे छोटे कमरे में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रहना पड़ता है। इन जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर अस्वच्छता, ऐसी अनेक समस्याएं भरी पड़ी रहती है। राष्ट्र की सेवा में अपना श्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरिमा के साथ जीवन जिए, ये भी हम सभी देशवासियों का दायित्व है। इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है। कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो
जहां वो काम करते हैं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैक्स को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले 8% लगा करता था, वो अब सिर्फ 1% है। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले 12% टैक्स की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मान्यता दी है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। साथियों, बीते सालों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर 3 साल में ही हमारी रैंकिंग 185 से सीधी 27 पर आ पहुंची है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी परमिशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का विस्तार भी 2000 से ज्यादा शहरों में हो चुका है। अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लगना पूरे सेक्टर को गति देता है। इससे डिमांड तो बढ़ती ही है, रोजगार के भी नए अवसर बनते हैं। देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। मुझे विश्वास है कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जरूर पूरा होगा। गांवों में भी इन वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष हमें गांवों में बन रहे घरों में भी और तेजी लानी है। शहरों में इस नई टेक्नोलॉजी के विस्तार से भी घरों के निर्माण और डिलीवरी दोनों में ही तेजी आएगी। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गति से चलना ही होगा, मिलकर के चलना होगा, निर्धारित दिशा में चलना होगा। लक्ष्य को ओझल होने देना नहीं है और चलते रहना है, और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबको इस 6 लाइट हाउस, एक प्रकार से हमारे नई पीढ़ी को, हमारे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी हो, ये मेरा इच्छा रहेगी। मैं चाहूंगा सभी यूनिवर्सिटीज को, मैं ऐसा चाहूंगा सभी कॉलेजेस को, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है, कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता है, हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। ये अपने आप में शिक्षा का बहुत बड़ा एक दायरा बन जाएगा। और इसलिए मैं देश के सभी युवा इंजीनियरों को, टेक्नीशियनों को विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं, इस लाइट हाउस से जितनी लाइट वो ले सकते हैं ले, और अपनी लाइट जितनी उसमें डाल सकते हैं डालें, अपने दिमाग की लाइट जितनी लगा सकते हैं लगाएं। आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस 6 लाइट हाउस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
अलीगढ़ शहर का नंबर वन कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास जीटी रोड अलीगढ़, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। अलीगढ़ का नंबर वन बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस।